दोस्तों आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, इसका शेयर भागने के लिए रेडी है। जी हाँ दोस्तों, टेक्निकल चार्ट पे गजब का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है और मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में अच्छे खासे रिटर्न यहाँ से बनते हुए दिखेंगे और टारगेट भी आपको बताऊंगा जो मुझे लगता है अचीव होते हुए हमको देखने को मिलेंगे। तो कंपनी बेसिकली दोस्तों रबर मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस से जुड़ी हुई है और उनमें से इनका एक प्रोडक्ट है नाइट्राइल रबर, जिसका कि 27% का मार्केट शेयर है। मतलब इस प्रोडक्ट का अच्छा खासा मार्केट शेयर है और ये प्रोडक्ट कई जगह यूज आता है। जब मैंने इसको सर्च किया कहाँ यूज आता है तो देखिए दोस्तों, आप भी देखिए यहाँ पर, नाइट्राइल रबर इंक्लूड डिस्पोजेबल नॉन लेटेक्स ग्लव्स, ऑटोमोटिव ट्रांसमिशन बेल्ट्स, होजेस, ओ रिंग्स, गैसकेट्स, ऑयल सील्स, वी बेल्ट्स, सिंथेटिक लेदर, प्रिंटर फोम रोलर्स एंड एस केबल जैकेटिंग। तो मतलब बहुत सारी इंडस्ट्रीज में दोस्तों ये इनका प्रोडक्ट यहाँ पर यूज आता है। NBR लेटेक्स की बात करें तो एडहेसिव्स की प्रिपरेशन में ये यूज आता है। मतलब एक स्पेशलिटी केमिकल्स की बात करें तब भी उनके कुछ सेगमेंट्स में ये प्रोडक्ट इनका यूज आता है। तो कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो दोस्तों मुझे काफी बेहतरीन नजर आ रहा है। तो अभी हम इसके फंडामेंटल्स की बात करेंगे, फाइनेंशियल्स की बात करेंगे, जहां पर एक और चीज मुझे अच्छी नजर आ रही है दोस्तों, वो भी आपको बताऊंगा, टेक्निकल चार्ट पे चलेंगे। उससे पहले दोस्तों आपको बता दूं, चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज हम यहाँ पर दोस्तों रेगुलर बेसिस पे लाते रहते हैं और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करके अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो एक बार इसकी अगर हम वेबसाइट पे चले तो देखिए, सिंथेटिक लेटेक्स और सिंथेटिक रबर में ये काम करती है और सिंथेटिक लेटेक्स में भी आप देखेंगे तो कई जगह पे ये यूज आता है। देखिए पेपर बनाने के SBR लेटेक्स, कारपेट कंस्ट्रक्शन, टायर कॉर्ड, स्टायराइन ब्यूटाडाइन लेटेक्स, स्पेशलिटी जैसे हमने अभी बात करी ग्लव्स। अगर रबर की बात करें सिंथेटिक की तो NBR जो कि प्रिपरेशन ऑफ एडेसिव्स में यूज आता है, नाइट्राइल पाउडर, पॉली ब्लेंड, HSR मतलब हाई स्टायराइन रबर, PNBR सिंथेटिक रबर। तो कई सारे प्रोडक्ट हैं, कई सारी इनकी प्रोडक्ट लाइन है जो कई इंडस्ट्रीज में यूज आती है, रबर की हम स्पेसिफिकली बात करें तो। तो चलिए फंडामेंटल्स पे चलते हैं। फंडामेंटल्स पे देखिए दोस्तों, कंपनी का मार्केट कैप अभी 1000 करोड़ भी नहीं है, मतलब बहुत ही छोटी कंपनी है और पी देखिए 38 का है, इंडस्ट्री का पी 14 का है। मतलब हाई पी है इसका इंडस्ट्री के पी से, लेकिन स्टिल यहाँ पर टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है और अगर एज ए स्विंग ट्रेड हम इसको देखें तो दोस्तों मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में हमको अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल सकता है इररेस्पेक्टिव ऑफ दी पी। ROCE की बात करें 9 के आसपास है, ROE की बात करें 6 के आसपास है। डेट कंपनी पे बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल डेट है। प्रमोटर्स होल्डिंग 58 की है। प्लेजिंग देखिए यहाँ पर 0 है, मतलब 10 साल में 29% CAGR से कंपनी ग्रो हुई है, 5 साल में 16% CAGR से। तो यहाँ पर डेफिनेटली कंपनी काफ़ी लंबे समय से दोस्तों मार्केट में एग्जिस्ट करती है एंड अच्छा परफॉर्म भी करती हुई आ रही है। हालांकि अगर रीसेंट टाइम में देखें तो कंपनी पे थोड़ा सा प्रेशर था क्योंकि इकोनॉमिक स्लो डाउन था, ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज यहाँ पर काम नहीं करी थी एंड रबर भी यहाँ पर यूज़ में नहीं आ रहा था, उसकी वजह से एक शॉर्ट टर्म यहाँ पर हमको इसमें स्लो डाउन देखने को मिल रहा था। लेकिन अब देखेंगे दोस्तों तो कंपनी अच्छे खासे ट्रैक पे आ चुकी है। देखिए हाईएस्ट एवर दिसंबर क्वार्टर की बात करें तो हाईएस्ट एवर सेल्स इसने पोस्ट की है। अगर नेट प्रॉफिट की बात भी करें तो देखिए 17 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया है जो कि लास्ट क्वार्टर्स में आप देखिए सबसे ज्यादा है, वहीं सेल्स भी आप देखेंगे ज्यादा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अब इनके देखिए यहाँ पर 15% हो चुके हैं लास्ट क्वार्टर में। अब एक्सपेक्टेड है दोस्तों Q4 के जब रिजल्ट्स आएंगे यहाँ पर अच्छे देखने को मिलेंगे और कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो भी आपको अप्रिशिएट होता हुआ दिखेगा और मुझे लगता है उससे पहले ही दोस्तों ये भाग जाएगा क्योंकि एक्सपेक्टेशन यहाँ पर अच्छी है। बात करें जो चीज मैं आपको बता रहा था वो है दोस्तों यहाँ पर शेयर होल्डिंग में जुड़ी हुई। जी हाँ दोस्तों, देखिए प्रमोटर्स अपनी शेयर होल्डिंग लगातार बढ़ा रहे हैं पिछले 3-4 क्वार्टर से और ये अभी मार्च 2021 का लेटेस्ट क्वार्टर है दोस्तों, इसमें भी आप देखेंगे शेयर होल्डर जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने अपनी स्टेक बढ़ाए हैं 0.02%। तो यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये नज़र आ रही है। DIS के पास जो है 0.48% है और गवर्नमेंट के पास भी है थोड़ा स्टेक आप देख सकते हैं, पब्लिक के पास है 40.97। बैलेंस शीट में भी आप देखेंगे रिजर्व्स कंपनी के बढ़ते जा रहे हैं और बोरिंग्स बहुत ही कम है, मतलब अच्छी खासी यहाँ पर आपको बैलेंस शीट एंड इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं एंड यहाँ पर फाइनेंशियल रेशियोज नजर आ रहे हैं। चलिए टेक्निकल चार्ट पे अब चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ नजर आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो स्लो डाउन था वो ये जो डाउन ट्रेंड था, अब यहाँ पर दोस्तों ट्रेंड चेंज हो चुका है, अब ट्रेंड में कंपनी आ चुकी है और अब यहाँ से एक स्ट्रेंथ नजर आ रही है। हायर हाइज हायर लोज कंपनी बनाती हुई ऊपर जा रही है और यहाँ पर नीचे आप देखेंगे दोस्तों एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों ये वॉल्यूम्स देखिए यहाँ पर कितना मतलब एक्यूमुलेशन हो रहा है कंप्लीटली, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस रेंज में ये जो एक इसका कंसोलिडेशन जोन का रेंज है दोस्तों यहाँ पर ये बाइंग हो रही है और अब ये जिस भी कभी भी दोस्तों किसी भी टाइम इस बॉक्स से निकल के अच्छा खासा मूवमेंट दे सकता है। अगर मैं इस बॉक्स को और स्पेसिफिकली यहाँ पर बनाऊँ तो आप देखेंगे ये जो बॉक्स है ये वाला, यहाँ पर देखिए कितने टाइम से ये कंसोलिडेट हो रहा है, मतलब यहीं पर ये एक्यूमुलेट हो रहा है जहाँ आप नीचे वॉल्यूम भी देख सकते हैं। यहाँ पर जो ग्रीन बार्स आपको दिख रही है ये वॉल्यूम साफ साफ नजर आ रहा है, यहाँ पर जो ये एक कंसोलिडेशन जोन है इसमें बाइंग हो रही है और यहाँ से अब ये ऊपर निकलेगा तो पहला टारगेट दोस्तों मुझे लगता है
कि इसका पहला टारगेट होगा 209 का, जो कि करीब अपने करंट प्राइस से भी अगर आप निकालें तो देखिए यहाँ से करीब करीब 14% के आसपास है। ये होगा इसका फर्स्ट टारगेट, और इसको भी इसने ब्रेक किया तो यहाँ से दोस्तों इसका टारगेट होगा अपने करंट प्राइस से करीब करीब 40% का। मतलब 40% का दोस्तों यहाँ पर हम रिटर्न कमाने का मौका मिल रहा है। बहुत ही अच्छी कंपनी है, और अब ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, इंडस्ट्रीज ओपन हो रही हैं, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स काफ़ी अच्छे हैं, तो यहाँ पर डेफिनेटली दोस्तों लॉकडाउन नहीं हुआ और सब चीज़ यहाँ पर सही चली, तो ये शेयर आपको अच्छा खासा रनअप दिखाता हुआ दिखेगा। और यहाँ से मुझे लग रहा है दोस्तों ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है ये एक बाइंग टाइम है इसका, जब ये बाहर निकलेगा तो शायद ये हाथ ना आए। तो आप भी एक बार दोस्तों अपनी स्टडी करके ज़रूर इसको कंसिडर कीजिएगा, और स्टॉप लॉस ऐसी कंपनीज में आपको ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि अनसर्टेनिटी है मार्केट में, तो आपको स्टॉप लॉस यहाँ पर ज़रूर लगाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस इसका करीब करीब आपको 170 का, मेरे हिसाब से 170 का होगा जो मैं लगाऊंगा, और आप अपनी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग इसको दोस्तों कम भी कर सकते हैं। अभी 183 के आसपास इसका शेयर प्राइस चल रहा है, आप इसको 175 पे भी लगा सकते हैं एज पर योर रिस्क एपेटाइट। मैं 170 से थोड़ा नीचे ही लगाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने आपको स्टॉप लॉस भी बता दिए, टारगेट्स भी बता दिए। आई होप दोस्तों ये एनालिसिस आपको पसंद आया होगा और ज़रूर आप इसको कंसिडर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है आपके, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।